रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि ग्रेटर नोएडा से है, जहां प्रदूषण फैलाने पर दो बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दो बिल्डरों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोनों बिल्डर साइट और निर्माण सामग्री बिना ढके चला रहे थे निर्माण कार्य। भूटानी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट और HNS बिल्डर ऑफ बुलेवर्ड वॉक पर जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माणाधीन साइटों का औचक निरीक्षण किया जा रहा था। OSD शिव प्रताप शुक्ल ने टीम के साथ ये औचक निरीक्षण किया और दोनों ही बिल्डरों पर कार्रवाई की जा रही है। तो दोनों बिल्डरों पर कार्रवाई की गई क्योंकि निर्माण कार्य ये चला रहे थे और दोनों ने ही खुले में जो सामग्री है निर्माणाधीन जो सामग्री यूज होती है निर्माण करने में वो खुले में रखी हुई थी, जिसकी वजह से औचक निरीक्षण में इन दोनों बिल्डरों पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है। जिस तरीके से नोएडा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकते हुए एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि और भी लोगों को सीख मिलेगी। देखिए रितु, बिल्कुल बता दें कि लगातार वायु पोल्यूशन जो है लगातार फैल रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने एक बैठक की और बैठक करने के बाद सभी शासन प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं। उसके बाद में जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दो बिल्डरों पर शिकंजा कसा है, जिसमें खुले में जो उनका जो मटेरियल पड़ा हुआ था, निर्माणाधीन मटेरियल जो पड़ा हुआ है, उन पर कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना दोनों बिल्डरों पर लगाया गया। नाम बड़े बड़े बिल्डर हैं, भूटानी इंफ्राटेक और HS बिल्डर है, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 5-5 लाख रुपए का दोनों बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया। उनको साफ निर्देश दे दिए गए, आगे से ऐसी कोई भी लापरवाही पाई गई तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार जो है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पूरे जो NCR में अंधेरा छा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखने को यह मिल रहा है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से लेकर तमाम शासन प्रशासन अधिकारी इस समय एक्शन में है। ठीक निशांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रदूषण को रोकने के लिए दोनों ही बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई, साथ ही दूसरे लोगों को भी सीख मिली है कि किस तरीके से प्रदूषण को खत्म करने के लिए हमें अपने जो ये कदम है सोच समझ के उठाने चाहिए।